myself Dr. Subhadip Ahmed, Universal Grand Rector of Justice from Bongaigaon Assam. First of all, मैं थैंक्स देना चाहूँगा हमारे ग्रेट मेंटर बीएमसीएल मेंबर विजय अर्पणा मैम और देव सर को, क्योंकि इन लोगों के सपोर्ट के बिना आज मैं यहाँ खड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि जब भी लाइफ में टफ सिचुएशन आया है और इन लोगों के सपोर्ट के वजह से आज मैं 13 साल कंप्लीट किया हूँ। और उनके साथ मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा हमारे नॉर्थ ईस्ट के टॉप पार्टनर हमारे सबके मेंटर डॉक्टर करीमुद्दीन सर और समीर अहमद, इन लोगों के सपोर्ट के बिना भी हम लोग अधूरे रह जाते हैं। सो टाइम बहुत कम है क्योंकि बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, सो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा। मैं वैसे जब शुरू किया था पहला चेक था मेरा 20 रुपया और हायर है 2,32,000+। जस्टिस ट्रेवल फंड से 4 बार विदेश घूम के आया और मेरा फैमिली में पहला ऐसा बंदा जो 4 बार फॉरेन टूर किया है। अभी तक मेरे फैमिली से कोई भी बंदा फॉरेन टूर नहीं किया। और कार फंड से जस्टिस कार फंड से पहला कार लिया हमारे लोअर असम में ओनली 14 मंथ फर्स्ट कार इन लोअर असम स्विफ्ट कर 14 लाख का। और फिलहाल मैं जो कार ड्राइव कर रहा हूँ 2 साल से मेरे सपने के बाहर, अपने सपने में भी नहीं सोचता था कि मेरे साथ एक साधारण से लड़का ये कार चला सकेगा। क्या उस कार का नाम सुनना चाहते हो? माय डियर फ्रेंड्स, वो मेरा ड्रीम कार था। अभी मैं फिलहाल ड्राइव कर रहा हूँ 2 साल से ओडी की टू प्रीमियम लग्जरी कार। जस्टिस हाउस फंड से छोटा सा घर भी बनाया, उसमें अपने फैमिली को लेके अभी रह रहा हूँ। ये मेरा ड्रीम हाउस नहीं है, छोटा सा रहने लायक छोटा सा क्यूट सा। और साथ ही साथ मैं एक बात बोलना चाहूँगा, रोटी कपड़ा और मकान के अलावा अगर कुछ चाहिए आपको तो बेस्टिस आप लोगों के लिए, अगर रोटी कपड़ा और मकान चाहिए तो मैं कहूँगा दूसरा काम कर लीजिए। रोटी कपड़ा मकान के अलावा अगर अनलिमिटेड इनकम, अनलिमिटेड सक्सेस, अनलिमिटेड हैप्पीनेस और आपके मरने के बाद अगर आपके फैमिली को वेल तरीके से देकर जाना चाहते हो तो मैं ये बात कहूँगा वो है बेस्ट वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म वो है बेस्टिस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। अगर मैं कर सकता हूँ इतना सारा लोग कर सकते हैं तो यह हर में बैठा हुआ हर एक बंदा आप लोग कर सकते हो। ये सर सिर्फ एक बात का ख्याल रखना, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर खुद पर विश्वास रखना। और मैं एक मैसेज देना चाहूंगा, फिलहाल जो मैं जेल रहा हूँ करीब 1 साल से जेल रहा हूँ, ना अपलाइन के ऊपर विश्वास रखना ना डाउनलाइन के ऊपर, खुद पर विश्वास रखना, मैनेजमेंट के ऊपर विश्वास रखना और अपना जो काम है अपना दिल लगाकर करना, सक्सेस आपका कदम चुनेगी। थैंक यू सो मच, खुशी सो मच सर।